हमारे यहाँ पता है क्या है, 3-4 दिन से बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो कुछ ऐसे ऑयली खाने का सा मन हो रहा है, तो चलिए फिर बनाते हैं एक बढ़िया सी मसाला पूरी। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, तो अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, लाल मिर्च डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे, इससे बहुत ही, 1/2 चम्मच से कम इसमें डालेंगे अजवाइन, डालेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक सीक्रेट चीज़, वो है ये है उड़द की दाल की पिट्ठी, हमारे यहाँ ये बाज़ार में मिल जाती है, तो ये पाउडर की फॉर्म में मिलती है, तो ये मैं इसमें 2 चम्मच डाल दूँगी। और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, आप कुछ भी डाल देना, सरसों का तेल या रिफाइंड। तो अभी हमें इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा आटा मल चुका है, ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, और इस तरीके से हमें पूरियां बेल लेनी है। और अभी ये तेल गर्म हो गया है, तो इसमें अलटते पलटते करारी करारी सी पूरियां बनानी है, क्योंकि ये करारी करारी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इस तरीके से आराम से डाल देनी है और फिर पौनी लगा देनी है। बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, कई बार आप कभी कभी आप इसे टिफ़िन में भी ऐसे बनाकर दे सकते हो, तो बहुत बढ़िया लगती है। इसको भी डाल देते हैं कढ़ाई में। ये जो उड़द की दाल का पाउडर है, वैसे हम इसे ना धांस बोलते हैं, तो ये वैसे किराना की दुकान पर मिल जाता है इजीली, तो आप वहाँ से मंगा सकते हो, नहीं तो घर पर भी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये सीख चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको चाय और आम के अचार के साथ भी इतनी टेस्टी लगेगी, आप इसे हमेशा बनाकर खाया करोगे। अगर आपने एक बार मेरा ये वीडियो देख लिया तो बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो हमारी सारी पूड़ियाँ सिक चुकी हैं, ये देखिए। सारी पूरियां बनकर तैयार हो गई हैं, जो हमने इसमें सीक्रेट पाउडर डाला है उड़द की दाल का, वो बाज़ार में भी मिलता है, और नहीं तो आप घर पर भी इसको बना सकते हैं। मैं उसकी रेसिपी किसी वीडियो में डाल दूंगी, तो फिर आप उसमें देख लेना। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।